देवताओं को जैसे ज्ञात हुआ कि आशीर्वाद मिल गया, ये मिल गया, सब भगवान शिव की शरण में आए और जय जयकार करते हैं। देखिए पंक्ति कितनी मधुर है, पृथक पृथक तिन भय चंद्र अलग अलग सब देवता प्रशंसा करते हैं। चंद्रशेखर भगवान की, गंगाधर नाथ की, विश्वनाथ भगवान की, नंदीश्वर भगवान की, अलग अलग क्या लिखा, पृथक पृथक आए एक साथ और प्रशंसा अलग अलग कर रहे हैं। बोले बाबा मुस्कुराए, हाल चाल पूछे, कहो अमर आए के अमर। बाबा बोले आपको जब मृत्यु से डर नहीं है तब किस हेतु आए हो। देखो आप, मृत्यु से डर तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फाइनल है, जो निश्चयात्मक व्यवहार है, उससे क्या डरना। जब मरना है तो मरना है, अब मरना निश्चित है। इस लोक का नाम है मर्त्यलोक, ऐसा कोई नहीं है जो मरेगा नहीं। तो मरना पक्का है तो फिर बाजा बजा के चलो, फिर रोने का काम नहीं। यही एक कार्यक्रम है जो निश्चय है। भगवान शिव ने पूछा, हे अमर, आपके आने का हेतु क्या है, क्यों आए हो। ऐसा क्यों बाबा ने पूछा, क्यों बाबा जानते हैं बिना काम के ये आने वाले नहीं। और मनुष्य का भी कमो अधिक स्वभाव ऐसा ही है कि बिना काम का कहीं आता जाता नहीं। काम पड़ेगा तभी हिलेगा, काम नहीं नहीं आएगा जाएगा। इसलिए बाबा ने विनोद किया, सब देवता चुप, कौन बोले, आए तो डर के मारे हैं। पितामह ब्रह्मा ने अवसर पाकर कहा, क्या कहा ये भी लीला देखिए, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन ने देखा बाबा। सब देवताओं के मन में उत्साह है, नहीं हृदय में उत्साह है, मन में भी नहीं है, हृदय में उत्साह है। यही नहीं बनावट, ऊपर भी बनावट है। सब देवताओं के हृदय में भय है, ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं, सबको बचा रहे हैं, कह रहे सबके हृदय में इस बात का उत्साह है कि सब लोग अपनी हलादनी शक्तियों के साथ हैं और बाबा अकेले हैं। देखिए जो विरक्त होता है वो जीव को विरक्त बनाना चाहता है, लेकिन जो गृहस्थ होता है वो जीव को गृहस्थ बनाना चाहता है। और मेरी तो प्रार्थना है जो जहां है वहीं मगन रहना चाहिए। विरक्त को विरक्त में आनंद में रहना चाहिए, गृहस्थ को गृहस्थ में आनंद में रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी जिसकी जो स्थिति रही, किससे जन्माद्य संस्कार, बस भगवान ने उसको मार्ग पकड़ा दिया है, उसी में मगन रहना, कछु लेना न देना मगन। प्रभु आयस जे कह जस अही सो तेहि भांति रहे सुख लहै।
ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने तथास्तु कहा, रचना बने। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर भेजा माँ के पास, हिमांचल जी के पास गए, लग्न पत्रिका लिखवाई गई, लेकर के आए, विदाम ब्रह्मा को दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार संध्या वेला में, गोधूली वेला में बारात कैलाश से चलकर हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी। बांच कर सुनाया विदाम ब्रह्मा ने सब देवता को, देवताओं लोग अपने अपने धाम गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।